क्या हो गया ये इसको यार, कैमरा जल गया। हाँ, तो आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे शहर, हमारे प्यारे शहर चिविंडा के बारे में। हाँ, तो अगर आज बात चविंडे की हो रही है तो हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट की, ना के पास्ट की, क्योंकि पास्ट जो है मतलब इसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो आएगी, वो अगले महीने के स्टार्ट पे इंशाल्लाह आ जाएगी। अभी के लिए हम बात करें तो हमारे शहर के अंदर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ है जो एक बड़े शहर में होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे हॉस्पिटल हों ये वाले, या बात करें यहाँ की स्टडी की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये तो कुछ गिने चुने मेन रोड के ऊपर जो स्कूल थे या कॉलेज थे मैंने वो दिखाए हैं। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज और स्कूल्स हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट हर किस्म का बैंक हमारे शहर में पाया जाता है। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा आवाम को पसंद है वो है यहाँ का फूड। यहाँ पे हर किस्म का फूड पाया जाता है, फास्ट फूड हो, देसी हो, किसी भी किस्म का हो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा यार कैफ़े हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा होटल हैं कि इतने की ज़रूरत नहीं है इतने यहाँ पे हैं। ये तो बात हो गई हमारे यहाँ पे एडवांटेजेस की, लेकिन अभी बात कर रही हूँ दूसरी चीज़ों की। जो यहाँ पे यार जो कमियाँ हैं वो है, सबसे पहले यहाँ पे विजिटिंग पॉइंट, बस यहाँ पे एक यादगार के नाम पे एक विजिटिंग पॉइंट, जिसका अभी भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे भी जो झूले हैं या फिर और चीज़ें हैं, ठीक है बैठने के लिए जगह ठीक है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने यहाँ पे ग्राउंड बनाई है वो तो शायद दुनिया की किसी साइड पर भी ना पाई जाए, उसका हाल मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये देखें इसका हाल कुछ ऐसा है कि नॉर्मल डेज़ में जून जुलाई या फिर ऐसे महीने जहाँ पर जब यहाँ पर बारिश नहीं होती तब तो ये ग्राउंड ठीक है खेलने के लिए, एक अच्छी जगह भी है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक दिन बारिश हुई, दो दिन बारिश हुई, तो इस ग्राउंड का हाल कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर पानी ऐसे खड़ा होता है। हाँ, एक चीज़ लहता है कि हम यहाँ पर ना वो बीच वॉलीबॉल जो होता है ना वो खेल सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी ये है हमारा चविंडा, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने यहाँ कुछ फ़ायदे बताए हैं, वैसे ये वीडियो शॉर्ट है, शॉर्ट होने की वजह सिर्फ ये है कि इसकी दूसरी जो वीडियो है जो इसकी हिस्ट्री के ऊपर है वो हम सितंबर के अंदर ले गएंगे। वो सितंबर में आने की वजह क्यों है, कुछ लोगों को तो पता होगा यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको तो सभी को पता है, लेकिन बाहर के कुछ लोगों को पता होगा कि सितंबर की क्यों। बाकी इंशाल्लाह उसी वीडियो में आपको इस चीज़ के भी बारे में पॉइंट क्लियर कर देंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।